सारे त्योहारों और दीपोत्सव और अयोध्या में संवेदनशीलता को देखते हुए प्रशासन द्वारा यहां की सुरक्षा व्यवस्था को लगातार सुदृढ़ किया जा रहा है। इसी क्रम में जनपद के कुछ स्कूल में भी सुरक्षा बलों के ठहराव की व्यवस्था की गई है। जिन स्कूलों में सुरक्षा बलों को रोका गया है वहाँ शिक्षण कार्य में बाधा आ रही है। MLML इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य अशोक कुमार त्रिपाठी ने बताया कि माध्यमिक शिक्षा परिषद के निर्देशानुसार जहाँ 31 जुलाई तक स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया चलती रही, वहीं दूसरी ओर 6 अगस्त से प्रशासन द्वारा स्कूल में सुरक्षा बलों के ठहरने का इंतजाम करा दिया गया है, जिससे स्कूल में अव्यवस्था फैल गई है। जिन कक्षाओं में 40 बच्चों की क्लास चला करती थी, आज वहां पर मजबूरन 80 बच्चों को ठहराया जा रहा है, जिससे बच्चों को न सिर्फ नियंत्रित करने में समस्या आ रही बल्कि शिक्षण कार्य में भी बाधित हो रही है। 31 जुलाई तक माध्यमिक विद्यालयों में प्रवेश की अंतिम तिथि थी। 6 अगस्त से जिला प्रशासन द्वारा विद्यालय में PSC की आवासीय व्यवस्था हो जाने से शिक्षण कार्य प्रभावित हो रहा है। जिन कक्षाओं में 40 बच्चे बैठते हैं उसमें 80 बच्चों को बैठा करके पढ़ाया जा रहा है। बच्चों को बैठने में और शिक्षकों को कंट्रोल करने में असुविधा हो रही है। इसको लेकर के हमने जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय को, जिला अधिकारी महोदय को, सबको अवगत करा चुके हैं। अब जैसा प्रशासन का निर्देश होगा वैसे किया जाएगा। तो कुमार त्रिपाठी, प्रधानाचार्य, MLML इंटर कॉलेज, फैजाबाद, अयोध्या।